नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बहन के प्रेम विवाह से नाराज भाई ने अपने ही जीजा पर चलाई गोली, जीजा हुआ घायल। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय की हद में 10 दिनों के भीतर तीसरी बार हुई फायरिंग, कानून व्यवस्था पर उठा प्रश्न चिन्ह। मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की हद में वसई तालुका में 10 दिनों के अंतराल में एक के बाद एक लगातार तीसरी बार फायरिंग की घटना से एक बार फिर सनसनी मच गई। 26 फरवरी को विरार में जहां समय चौहान हत्याकांड हुआ था, तो वहीं 28 फरवरी को विरार में ही आसाराम राठौड़ को निशाना बनाया जाकर बदमाशों ने शूट आउट किया था। और अब बीती रात को नालासुपारा पूर्वी के संतोष भवन क्षेत्र की शर्मावाड़ी में एक बार फिर गोलीबार हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के दिए बयान एवं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शर्मावाड़ी निवासी 29 वर्षीय हितेंद्र जोशी नामक युवक पर खुद उसकी पत्नी का सगा भाई मतलब पीड़ित के रिश्ते में सगे साले दीपक गौतम नामक युवक ने गोली चलाई। पीड़ित के रिश्तेदार ने अपने ही दिए बयान में बताया कि पीड़ित हितेंद्र ने आरोपी दीपक की बहन से अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था, जिससे आरोपी दीपक नाराज हो गया था और उसी नाराजगी के चलते आरोपी दीपक ने 2 राउंड फायर करते हुए अपनी ही बहन के सुहाग पर प्राणघातक हमला कर दिया। इस हमले में घायल हुए पीड़ित हितेन को उपचार के लिए नालासुपारा के नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले की जानकारी पर तुलिंज पुलिस ने मौका वारदात का मुआयना कर मामला दर्ज करते हुए आगे की जाँच शुरू कर दी है। MBVB पुलिस आयुक्तालय की हद में लगातार हो रही फायरिंग से क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान लग गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। कुछ नहीं, वो उसने लव मैरिज किया उसके बहन से, मतलब ये लोग दूसरे से, मतलब लव मैरिज किया, वो मेरे लड़के के लिए उसके घर से भागी, भाग के ये लोग ने शादी किया, बाकी वही कारण है। और इसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं थे मेरा, और ये इसको मेरे लड़के को पसंद करती थी, बोलते मैं वो लोग किससे दूसरे से शादी करने वाले थे, तो वो नहीं करना चाहती थी, तो बोलते मेरे को अभी क्या, अभी यहाँ से भगाओ। हाँ, मेरे को यहाँ से भगाओ। कौन बोल रहा था? ये मेरी बहू अभी जो आई है, चंदा। अच्छा, हाँ, वो उनके परिवार से उनका कोई रिश्ता नहीं? ये कौन है ये हमला कर रहा? हमला कर दीपक, दीपक ये कौन है? दीपक गौतम मेरी मेरी बहू का भाई लगता है। अच्छा, हाँ, कुछ जाति के ऊपर से नहीं ऐसा? हम लोग का, हम लोग ब्राह्मण है और वो लोग चांबार है, ऐसा हम लोग जाति में तो कभी भेदभाव किया भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। पता नहीं उसने क्या टसन से उसको मारा। कितने बजे की घटना है और किस चीज से मारा गया है? क्या बंदूक से मारा। कितने बजे की घटना है ये? कम से कम 9:30 की बात है, 9:30-10 के बीच। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।